Hello, good morning all of you students. Today we are going to start with our English subject of class 3. The book name is Tree Top. Now open your book students. We are studying chapter number 8, Farhan and the Fairy. हम कर रहे थे पेज नंबर 56 का, यहाँ तक पैराग्राफ कंप्लीट हो चुका है. नाउ लेट्स स्टार्ट. नेक्स्ट पैराग्राफ इज दे वॉक्ड थ्रू द गेट्स एंड वर ट्रीटेड लाइक किंग्स बाय द सर्वेंट्स. वो वर ट्रीटेड लाइक किंग्स बाय द पेरेंट्स. वो जैसे ही अंदर की तरफ गए गेट खोल के, तो उन्होंने अपने आप को नौकरों के द्वारा अपने आप को राजा फील किया. उनको ऐसा लग रहा जैसे वो राजा हैं और गेट पे जो दरबान खड़े रहते हैं वो उनको सलाम कर रहे हैं. Suddenly Farhan's mother came running and hugged them and said, अचानक से ही फरहान की जो मम्मी हैं वो भागी आई, दौड़ी आई और उन दोनों को गले लगा लिया और कहा, God had answered our prayers. भगवान ने हमारी जो प्रार्थना है उसका उत्तर दे ही दिया. फरहान looked up at the sky and imagined the fairy somewhere among the sparkling stars. फरहान ने ऊपर की ओर देखा और ऊपर की ओर आकाश में देखा और फैरी को इधर उधर कहीं, मतलब इमेजिन किया, सोचा कि वो ऊपर ही है. ये जो अमंग द स्पार्कलिंग स्टार्स, ये जो उज्जवल तारे हैं, जो चारे चमक रहे हैं तारे, उनके बीच कहीं है वो. फरहान क्लोज हिज आइज एंड सैड. फरहान ने अपनी आंखें बंद की और कहा, थैंक यू डियर फैरी. शुक्रिया प्रिय परी. आफ्टर दैट फरहान एंड हिज पेरेंट्स स्टार्टेड लिविंग अ कम्फर्टेबल लाइफ. उसके बाद फरहान और उसके पेरेंट्स जो थे, माता पिता थे, उन्होंने एक आरामदायक ज़िंदगी बिताना शुरू कर दी. तो आई होप स्टूडेंट्स आपको ये स्टोरी पसंद आई होगी और बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है. तो इस वीडियो के थ्रू आप लोग इस स्टोरी को दोबारा से समझिए, ओके, और इसके वर्ड मीनिंग एंड फाइंड आउट करने की कोशिश कीजिएगा डिक्शनरी की हेल्प से, ओके. बाय स्टूडेंट्स, टेक केयर ऑल ऑफ़ यू, स्टे सेफ एंड स्टे हेल्दी एंड थैंक यू फॉर लिसनिंग ऑल ऑफ़ यू.